नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा। स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं शेयर करती हूं आप लोगों के साथ कुछ हेल्थ टिप्स। साथ ही हम बात करते हैं कि किस तरह से होम्योपैथी की दवाइयां आप लोगों को अलग अलग बीमारियों में मदद कर सकती है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे पीडल इडीमा के बारे में, यानी पैरों में सूजन होना। तो दोस्तों, पैरों में सूजन होना ये मात्र एक लक्षण हो सकता है किसी बड़ी बीमारी का। तो पैरों में सूजन आपको क्यों हो सकता है, किन कारणों की वजह से हो सकता है, होम्योपैथी की कौन सी दवाइयां हैं जो आपको मदद कर सकती है, और पैरों के सूजन में आप लोग एज अ जनरल क्या क्या स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं ताकि आपके जो पैरों की सूजन है वो कम हो जाए, वो ठीक हो जाए, इसी बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें ताकि आप अपडेटेड रहें। मैं जब भी कोई वीडियो पब्लिश करती हूँ या मैं लाइव आती हूँ तो आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँच पाए, इसके लिए ज़रूरी है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर दबा दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, पीडल इडीमा, पैरों में सूजन और होम्योपैथी की दवाइयाँ। दोस्तों, पीडल इडीमा, लिपेडिमा, पैरों में सूजन, ये क्यों होता है? अगर आपको किसी प्रकार का वीनस इंसफिशियंसी हो रहा है तो आपको पैरों में सूजन हो सकती है। अगर लिम्फैटिक ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, लिम्फैटिक ड्रेनेज में आपको ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, जो एक नेमाटोड विचेरिया बैनफ्रोक्टाई के कारण से हो सकता है, वीनस इंसफिशियंसी आपको हो सकता है। अगर आपके जो पैरों के वेल्व्स हैं, वेन्स में जो वेल्व्स हैं, इसमें कोई खराबी आ जाए, वेरिकोज वेन्स हो रहे हों, तो ऐसा हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको किसी प्रकार की कोई इंजरी हुई है, चोट लगी है, तो हो सकता है। इन्फ्लेमेशन की वजह से ऐसा हो सकता है। किसी प्रकार का कोई आपको एब्सेस हो गया, घाव हो गया है, उसके वजह से आपको ऐसा हो सकता है। कोई आपको ऑर्गन डिजीज़ हो, जैसे लिवर की बीमारी हो तो ऐसा हो सकता है, किडनी की बीमारी हो तो पैरों में सूजन आ सकती है। दोस्तों, अगर हार्ट की बीमारी है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, उसके कारण से पैरों में सूजन आ सकती है। कुछ दवाओं के कारण से भी पैरों में सूजन आ सकती है। फिजियोलॉजिकल कॉज प्रेगनेंसी में भी पैरों में सूजन या पैरों में स्वेलिंग आपको आ सकती है। तो दोस्तों, पैरों में अगर आपको सूजन आ रही है तो किस वजह से आपको पैरों में सूजन है, अकॉर्डिंगली हमें आपको उसका ट्रीटमेंट देना है। क्या कारण है, उसको ट्रीट करना है। अगर पैरों में सूजन आता है तो राइस यानी कि रेज, आइस, कंप्रेशन, एलिवेशन, इन सब चीज़ों से आपको आराम मिलता है। अगर आपको चोट लगी है तो आप अगर आइस पैक लगाते हैं तो आपको इससे रिलीफ मिलता है। जब भी आप सोते हैं तो आप अपने पैरों के नीचे पिलो रखें और पैरों का जो लेवल है वो हार्ट के लेवल से ऊपर होना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि जो ब्लड सर्कुलेशन या आपका जो फ्लूड इकट्ठा हो गया है वो वापस हार्ट के टुवर्ड्स आएगा और आपके जो पैरों की सूजन है वो कम हो सकती है। तो इसीलिए आपको लेग रेज करना एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है, जो कि हमेशा बोला जाता है जिन्हें भी पैरों में सूजन है, आप लोगों को पैरों के नीचे तकिया लगाकर सोना है। इसके लिए स्पेशल पिलोज भी आते हैं, तो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, सो दैट योर लेग इज रेज्ड अबव द हार्ट लेवल, और उससे क्या होगा, जो पैरों की सूजन है इसे आपको कमी मिलेगी। अगर प्रेग्नेंट फीमेल है, आप काम करते हैं, तो आपको क्या करना है, जहां आप बैठ रहे हैं आपके पैरों के नीचे आप एक स्टूल रख सकते हैं, यानी जैसे आप चेयर पे बैठे हैं तो पैर डायरेक्टली फ्लोर पे नहीं रख के किसी स्टूल पे पैर रख सकते हैं, थोड़ा सा पैर आपका एलिवेटेड रहेगा तो उससे भी जो स्वेलिंग है या सूजन है इसमें आपको कमी का महसूस हो सकता है। अगर आपको कोई हार्ट की बीमारी की वजह से है सो डेफिनेटली हमें आपके हार्ट की बीमारी को ठीक करना है। अगर आपको किडनी की कोई बीमारी है तो डेफिनेटली किडनी के हमें ट्रीट करना है, सो दैट पैरों की सूजन आपकी कम हो सके। तो बेसिकली जो पैरों की सूजन है, दिस इज जस्ट अ सिम्टम ऑफ एन अंडरलाइंग डिजीज, ये केवल एक लक्षण है किसी अंदरूनी बीमारी का जिसका हमें पता लगाना है और अकॉर्डिंगली हमें इसका ट्रीटमेंट देना है।
तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि अगर आपको पीडल एडिमा हो रहा है, पैरों में आपको सूजन हो रही है, लिपेडिमा हो रहा है, तो इसमें होम्योपैथी की कौन सी दवाइयां हैं जो आपको मदद कर सकती हैं। दोस्तों हमारी सबसे जो पहली मेडिसिन है बॉडी में स्वेलिंग ड्रॉपसिकल कंडीशन उसके लिए है एपिस मेलिफिका। तो एपिस हमारी एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन, जब भी आपको कहीं पर स्वेलिंग हो रहा है, ड्रॉपसिकल कंडीशन हो रहा है और हीट से प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, पेशेंट को प्यास बिल्कुल भी नहीं लगती जब ऐसा प्रेजेंटेशन हो और साथ में आपको जलन चुभन का महसूस हो, जहाँ आपको सूजन है वो एरिया एकदम पकड़े तो बिल्कुल गर्म सा आपको फील हो, तो ऐसे में एपिस हमारी दवा है जो आपको मदद कर सकती है। दोस्तों अगली हमारी दवा है एपोसाइनम। अब एपोसाइनम हमें कब देना है, अगर आपको लिवर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हुई है, अगर आपको सिरोसिस के वजह से पैरों में सूजन आ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में जो एपोसाइनम दवा है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों जो हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है वो है डिजिटैलिस। अब अगर आपको पैरों में सूजन कोई हार्ट रिलेटेड कंप्लेन के वजह से हो, कार्डियक ड्रॉपसी, तो ऐसे समस्या में आप डिजिटैलिस मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों अगली हमारी दवा है टेरिबिंथिना। टेरिबिंथिना आपको तब देनी है जब आपको कोई किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम है, किडनी में आपको सूजन है, हाइड्रोनेफ्रोसिस हो गया है, सूजन आ गया है, कंजेशन हो गया है, तो अगर किडनी रिलेटेड ट्रबल के वजह से आपको पैरों में सूजन है, तो ऐसे में जो दवा बहुत अच्छा काम करती है वो है हमारी दवा टेरिबिंथिनम। दोस्तों नेक्स्ट हमारी दवा है ऑरम म्यूरियाटिकम। तो ऑरम म्यूरियाटिकम जो दवा है ये भी आपको अगर लिवर रिलेटेड समस्या कुछ हो रही है, तो इसके बाद अगर आपको पैरों में सूजन, लेग स्वेलिंग, एडिमा हो रहा है, तो इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों आर्सेनिक एल्बम हम यूज़ कर सकते हैं जब हम देखते हैं कि यूरिन में आपका जो एल्ब्यूमिन है वो आपका ज़्यादा जा रहा है, एल्ब्यूमिन की मात्रा यूरिन में आपको दिख रही है और पेशेंट को प्यास थोड़ी थोड़ी देर में प्यास लगती रहती है, घुट 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 पेशेंट पानी पीता रहता है, बेचैनी है, किसी प्रकार के फीवर के बाद अगर आपको ऐसा होता है तो आर्सेनिक एल्बम हमारी एक अच्छी मेडिसिन है। दोस्तों पैरों में सूजन आपको हो सकता है कि अगर आपको आर्थराइटिस प्रॉब्लम की वजह से हो रहा हो, तो ऐसे में लीडमपाल हमारी एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। और लीडमपाल में हम क्या देखते हैं कि पेशेंट को गर्मी से प्रॉब्लम होती है और ठंडे से पेशेंट बेटर फील करता है, तो अगर किसी प्रकार के गर्माहट से प्रॉब्लम बढ़ती हो, पैरों का दर्द बढ़ता हो, सूजन बढ़ती हो, तो लीडमपाल मेडिसिन का प्रयोग हम कर सकते हैं। अगर आपको पैरों में मोच आ गई हो, स्प्रेन आपको हो गया हो, तो इसके लिए रूटा एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, तो हम रूटा कंसिडर कर सकते हैं। अगर इंजरी की वजह से आपको स्प्रेन हुआ और उसके वजह से आपको पैरों में सूजन आई है, तो डेफिनेटली रूटा आप कंसिडर कर सकते हैं। दोस्तों अगर चोट वगैरह लगती है तो RICE आपको याद रखना है, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन एंड एलिवेशन, ये चार बातों का हमें ध्यान रखना है अगर आपको पीडल एडिमा या पैरों में सूजन की शिकायत है। तो दोस्तों ये हमारी कुछ फ्रीक्वेंटली यूज्ड मेडिसिन्स हैं, दवाइयाँ और भी हैं, वो निर्भर करते हैं आपके सिम्टम्स पे, किस वजह से आपको पैरों में सूजन है, हमें उस कारण को ट्रीट करना है ताकि जो सिम्टम है पैरों का सूजन या पीडल एडिमा, इससे आपको रिलीफ मिल सके। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन अबाउट पीडल एडिमा एंड द होम्योपैथिक मेडिसिन्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, आपने इसको पसंद किया है, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूले। दोस्तों अगर आप लोग मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, दिए गए नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज भेज सकते हैं, मेरे ऑफिस से आप लोगों को अपॉइंटमेंट की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। अगर आप डायरेक्टली फ़ोन पे मेरे से बात करना चाहते हैं तो ऐप के माध्यम से आप डायरेक्टली फ़ोन पे भी मेरे से बात कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।